आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत बाईपास हाईवे नंबर 30 में बाबा ढाबा के पास से अज्ञात बदमाशों ने गन पॉइंट में लेकर संविदा कार लवकुश पांडे से स्कॉर्पियो लूट लिए थे और उस पर रखे 32,000 भी लुटेरे ले गए थे। इस घटना की सूचना रात में ही फरियादी लवकुश पांडे के द्वारा मनगवा थाना पहुंचकर दी गई थी। इस घटना के बाद मौका मुआयना करने एडिशनल एसपी विजय डावर एवं एसडीओपी संतोष कुमार निगम पहुंचे थे, साथ ही पूरे जिले में घेराबंदी करने के निर्देश दिए गए थे। इसी बीच सिटी कोतवाली थाना के रतहरा चेक पॉइंट में तैनात पुलिस कर्मियों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी तेजी से आती दिखी, जिसे रोकने के लिए कोतवाली पुलिस ने स्टॉपर लगाया तो आरोपी ने वाहन को अकोला बस्ती की ओर लेकर भागे, जिस पर कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह स्टाफ के साथ बस्ती की ओर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी वाहन लवारिश हालत में छोड़कर फरार हो गए हैं। कोतवाली पुलिस ने वाहन को जब्त कर मनगवा पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने लूट की वारदात के बाद चंद घंटों में वाहन पकड़ने वाले कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह और उनकी टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की है। एक स्कॉर्पियो लूट की वारदात हुई थी जिसमें गाड़ी बरामद की गई आपके द्वारा, कहाँ से लूट हुई थी और कहाँ से बरामद की गई? ये मनगवा थाना क्षेत्र में वाहन को लूटा गया था 7-8 लोगों के द्वारा कट्टा अड़ा करके और चालक को मारपीट कर उससे स्कॉर्पियो MP 49C 3855 ये लूट ली गई थी, जिसके संबंध में वायरलेस के माध्यम से सभी थानों को अवगत कराया गया था। सूचना मिलने पर रतहरा बीट को सक्रिय किया गया था कि मनगवा के रास्ते में सीधा रीवा की संभावना आती है उधर सक्रिय हो गया, तो मनगवा बीट प्लस जो अपना चेकिंग पॉइंट है ये रात में उनको सक्रिय कर दिया गया था। ये लगातार हर प्रत्येक वाहन को रोक रोक कर चेक कर रहे थे। इसकी सूचना पर वाहन ज्ञात हुआ कि आया, जैसे ही चेकिंग पॉइंट को देखा तो वो मोड़ करके भाग दिया, तो बीट वालों ने उसका पीछा किया तो अकोला बस्ती में वाहन को छोड़ करके आरोपी भाग गए थे, जो कि वाहन पकड़ लिया गया।